हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सभी लोग एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक मेज पोस है, जैसा कि यहाँ वृत्ताकार दिखाया गया है, पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपको चित्र देगा एग्जाम में। मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी ये वृत्त के अंदर बना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रुपया 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो रुपया 0.35 यानी 35 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितनी है? 28। ठीक है, तो ये हम इसको त्रिज्या को दूसरी जगह मिला रहे हैं। तो जब दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल जो होता है, उसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। लेकिन हमें क्या निकालना है? जीवा के बीच का क्षेत्रफल। तो जीवा के बीच के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दिया क्या क्या है? तो मेज पोस पर 6 समान आकृति के बने हुए हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। अगर दी हुई चीजों को हम लोग लिख लेंगे तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। त्रिज्या हो गया। तो अब क्या करेंगे? लागत दिया हुआ है कितना? 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी दी हुई है? 35 पैसे। तो रुपीज 0.35। फिर हमको वृत्तखंड के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कोण। तो केंद्र पर बना कोण निकाल लेते हैं। बराबर कितना होगा? 360 बटे में कितने खंड बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बटे में 6 कर देंगे। ठीक है, तो 6 से ये कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में 0, 60 बार में। तो कितना आ गया? 60। केंद्र पर बना कोण आ गया। अब हमको निकालना क्या? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, डिजाइन को कितनी बार बनना है? 6। तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं मेज पोस के डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है? 6 बार है तो 6 लिख देंगे, बाकी सब यही रहेगा। पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। 6 के स्थान पर 6 आर स्क्वायर होगा। 6 के स्थान पे 6, आर की वैल्यू कितनी है? 28। तो 28 स्क्वायर इसके 2 टाइम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, थीटा की वैल्यू 6060 और अपॉन में 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 6 × 28 × 28 जीरो से जीरो, 6 से 6 टाइम में, ठीक है, 2 से कट कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, और ये 11 टाइम में। तो यहाँ क्या मिला? 11 अपॉन 7 3 सा 21 माइनस साइन 60 वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 4। ये कितने का आंसर आ गया? 21 एंड 4 यानी 21 और 4 का हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करें क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इन में करेंगे। 21 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 21 और 4 का एलसीएम 84 होगा, जिसको हम 21 × 4 के रूप में लिखेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा? 44।
और 21 का इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो 21 रूट 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 और 4 को बाहर निकाल देंगे और ऊपर अंदर को सॉल्व करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई 4, तो अब क्या करेंगे, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा है इसको लिख लेते हैं, 44 है माइनस क्या बचा हुआ है 21 और रूट 3 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 1.7 यानी 1.7 ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 से ये 7 टाइम में, 7 से 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, अब जो बचा हुआ उसको हम लोग पहले आगे लिख लेते हैं, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 28 और यहाँ पर क्या बचा है 44 ये लिख लेते हैं 44 और क्या बचा हुआ है 21 में 1.7 का गुणा करेंगे तो 21 में 1.7 का गुणा करेंगे तो गुणनफल इसका आएगा 35.7। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 56 और इन दोनों को घटा देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 8.3। अब इन दोनों को भी गुणा करते हैं तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 464.8 ये क्या आया स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल आया जो कि आपने यहां पर लिखा मेज कोर्स के डिजाइन का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, हमसे क्षेत्रफल तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है लागत, लागत निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वर्ग मीटर की लागत दी हुई है 35 पैसा, इससे हम लोग गुणा कर देंगे तो लिख देते हैं कुल लागत, कुल लागत कितनी हो जाएगी रुपीज में 0.35 और मल्टीप्लाई में 464.8, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा 162.68 ये आ गया आपका रुपीज, ठीक है, कितना है 162.68 रुपीज, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में एक मेष पोष दिया हुआ है जो वृत्ताकार है और जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और जिसमें नीचे डिजाइन बना हुआ है जो वृत्तखंड के रूप में है, तो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी है और एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत 35 पैसा दिया हुआ है, केंद्र पर बना कोण पहले निकालेंगे कैसे, तो कुल जितने खंड है उसको 360 से भाग दे रहे तो आंसर कितना है 60। तो जो आकार आपका डिजाइन का दिख रहा है ये वृत्तखंड का है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा मेष कोष का। कुल लागत के लिए आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कास्ट दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ गया, कितना आंसर आया 162.68 रुपीज। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है, ठीक है, यानी ये बहुकल की प्रश्न है, चार उत्तर हमें यहां पर दिए उनमें से एक उत्तर सही उसको चुनना है। क्या कह रहे हैं, त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी अंश है, यानी केंद्र पर बना कोण कितने अंश है पी अंश है। तो निम्नलिखित है क्या होगा क्षेत्रफल, कह रहा है ए है पी बराबर 180 बटे में 2 पाई आर, बी ऑप्शन भी है पी बटे 180 बटे में पाई आर स्क्वायर, सी है पी बटे में 360 2 पाई आर स्क्वायर और डी है पी बटे में 720 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है त्रिज्या क्या दी हुई है आर, कितनी दी हुई है आर और केंद्र पर बना कोण कितना दे रहा है त्रिज्याखंड का
कितना दिया है पी। पूछा क्या है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, चूंकि सारे आंसर पाई के रूप में है तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, आर के स्थान पर क्या है कैपिटल आर, तो ये हम लोग लिख देते हैं पाई के स्थान पर पाई लिख देते हैं, आर क्या है कैपिटल तो कैपिटल के साथ स्क्वायर लिख देते हैं, थीटा का मान कितना दिया है पी, तो थीटा की जगह पर पी लिख देते हैं, बटे में 360। तो क्या इसमें से कोई आंसर आया है पाई आर स्क्वायर, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें, तो तीन आंसर में पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जिसमें पाई आर स्क्वायर पी है उसमें नीचे 360 है, यहां पर दो है, ये तो 180 हल ही नहीं होगा, ये भी आंसर गलत है। अब ये दोनों में एक सही हो सकता है, लेकिन अब देखना ये यहां पर 360 के साथ लिखा हुआ है या 720 के साथ, 360 के साथ लिखा है तो मेरा यहां पर क्या है दो नहीं है, तो चलिए दो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो लाने के लिए दो का हम आंसर हर में गुणा कर देंगे, पी की जगह पर पी लिखते हैं दो पाई आर स्क्वायर, तो दो का अंश में गुणा हुआ तो दो का कहां पे होगा हर में भी गुणा होगा, तो इसको एक लाइन आपको सरल कर लेते हैं पी की जगह पर पी और 360 में दो का गुणा 720 क्या आया 2πr², तो कौन सा आंसर मिला आंसर नंबर डी। तो हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर के लिए कौन सा विकल्प सही है, विकल्प डी पाई बटे 720 2πr² क्या है सही है, तो इसको लिख देंगे सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल रख के मान रख रहा था, लास्ट में आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ऊपर अगर आंसर हर दिन दो से गुणा कर दें और भाग कर दें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही हमने दो से गुणा और भाग किया तो ये आपका आंसर बुक के जो चार आंसर थे उससे मैच कर गया। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है एक्सरसाइज 12.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे के कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।